An alpha particle collides with the one of the electrons in gold atoms loses. कहते हैं कि अगर alpha particle atom gold के atom से collide करता है तो ये क्या lose करेगा? Most of its momentum, about one third of its momentum, little of its energy, most of the energy. Four options दी हुई हैं तो देखें, मैं कहता हूँ ये alpha particle है, ये आता है ये gold के atom से collide करता है. तो देखें जब भी ये अल्फ़ा पार्टिकल कोलाइड करेगा तो ये अपनी जो है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा. इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, यानी आयोनाइजेशन हो जाएगी. तो इसका मतलब है अल्फ़ा अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है. तो इधर ये फिर सी ऑप्शन आ जाएगी. सी ऑप्शन में लिखा हुआ है लिटल ऑफ इट्स एनर्जी, यानी अल्फ़ा अपनी थोड़ी सी एनर्जी को लॉस कर देगा. अब मोमेंटम को भी ट्रांसफ़र करता है. अगर यहाँ पर देखें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखें हाफ एम वी स्क्वायर और इसका रिलेशन बनाएं मोमेंटम के साथ, तो इसका जो रिलेशन बनेगा इधर मैं टू यहाँ पे एम से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करता हूँ तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई एम आ जाएगा. और यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखते हैं, ये मोमेंटम का फॉर्मूला है एम वी, तो पी स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या आ गया, टू एम. यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्ट है, स्क्वायर ऑफ मोमेंटम के. यानी अगर ये एनर्जी अगर लॉस करते हैं, अल्फा अपनी एनर्जी लॉस करता है तो इधर क्या होगा, मोमेंटम भी लॉस होगा. लेकिन मोमेंटम का उसने स्मॉल का पूछा नहीं था तो उसने एनर्जी कहा है, अगर स्मॉल एनर्जी लॉस करता है तो स्मॉल मोमेंटम भी लॉस कर रहा होगा. तो इसका मतलब है कि एनर्जी का उसने मेंशन किया है कि एनर्जी स्मॉल है, मोमेंटम स्मॉल मेंशन नहीं किया. तो राइट ऑप्शन फिर आ जाएगी कि अल्फा पार्टिकल अपनी स्मॉल एनर्जी लॉस करता है जब अल्फा इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है.